है लाइफ पे, तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ यार, खासतौर ना ज्यादा ख्याल किया करे। मैं ना एक मतलब फोतगी पे गया था, तो वो ना डेड बॉडी पड़ी हुई थी, मतलब किसी का था, तो मुझे एक दो तीन मतलब अच्छे भले समझदार लड़के थे, सही समझदार थे, और कुछ लड़कियां भी थी एक दो, तो उन्होंने बुला के मतलब पिक्चर्स ले ली, उधर इतना वियर्ड लगे, तो मैं तो मतलब यही कहूंगा कि यार खास हो ना ऐसी जगह का खास ख्याल किया करें प्लीज। इतनी सीरियस बात कर रहे हो तो मैं नहीं, ऐसे ऐसा होता है, अक्सर होता है, आप खाना खा रहे हो, आपको कोई फैन आ जाने तो वो आपको बोलेगा सिर्फ पिक्चर, तो आप बोलेंगे यार खाना खा लो, उनको कोई परवाह नहीं है आप भूखे हो गए नहीं, बट ऐसे होने चाहिए। वैसे इस चीज का ना खास ख्याल करना चाहिए। हेलो शेख भाई, बिग फैन, तुम बहुत ड्रामेबाज हो। अच्छा बोल दो, सुजल कुमार कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बोलो बोल गया मैंने जो मुझे नजर आया। शैज भाई प्लीज रिप्लाई तो कर दो। मलिक जैसी कर दिया रिप्लाई, तू अपनी पहला विच सही है ना। अच्छा मैं आपको फैन हूँ। शहजाद और लाली भाई के दोस्ती कमाल की है, अल्लाह अल्लाह पाक बुरी नजर से बचाए आप दोनों को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं ज्यादा प्यारी हूँ, लव यू वर्दा, लव यू टू। और सुना है, मैंने सुना है वो फोर सीजन इन खरीद लिया आपने नबील भाई। कौन सा भाई सीजन खरीद लिया? क्या फॉर्म लाते हो? अपने नाम करा लिया आपने फोर सीजन? हाँ भाई, उसकी मतलब परसों मेरे नाम हो जाएगी रजिस्टर। हो गई, पेपर पेपर आ गए। नहीं जबरदस्त है यार, मैं मतलब जब भी जाता हूँ ना तो बहुत प्यार मिलता है, सारा प्यार मिलता है, अच्छा इक्विपमेंट मिलता है, अच्छी रिहाई मिलती है, अच्छा खाना पीना मिलता है। नहीं 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 ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, खाना पीना आपको नहीं करना पड़ता बड़ी मुश्किल से। अच्छा अच्छा, तुम दोनों बहुत बोलो, इसको मजेदार सी कोई गेम बनाते हैं, ठीक है? अभी मैं सोच रहा हूँ, एक मिनट शट अप, मैं नबील भाई मैं अभी सोच रहा हूँ। वो होटल ही तेरा, मैंने तेरे नाम करवा दिया, मैं ये देख अभी अभी साइन कर देता हूँ।
मैं अभी साइन करके तेरे नाम कर दिया। क्या किया है मुझे भी बताओ। तू साइड पे हो ना, ले लिया बदल हर चीज तुझे बता दे। बॉय स्टॉक ना अभी फजूल में यार, मैं भी तो बॉय हूँ। हाँ तू बॉय शायद भाई आओ ना कभी यार, गुजरना मतलब बोल रहा है ना बॉय ऐसी वह तो ना मेरे मेरी नजर नहीं जानती है तेरे। तेरी तरफ हूँ मैं, तेरे करके ये बातें सुन रहा हूँ। मैं वरना तेरी तरफ ला दिता तो मेनू पता है जरा एंजनी कटी था।
नबील रुक जा, मैं खुजा लूं, मुझे वर्दा काट रही है। मैं ओए यार, आप वर्दा के खिलाफ ना इसके दो तीन बातें और कर दो फिर इसके बाद वर्दा। अबे तू ला मेरी वकालत कर। ओहो नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब यार, मेरे कहने का मतलब आप वर्दा को बात तक कहिएगा। अच्छा नबील, व्हाट्स योर फेवरेट टिकटॉकर और यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर कौन? मेरा नाम इंस्टाग्राम और टिकटॉक का क्या? कौन दोबारा क्वेश्चन? तेरा फेवरेट टिकटॉकर कौन है? टिकटॉकर हो, यूट्यूबर हो, कोई भी नाम लेना, इसमें जल जाना है। और किसी की नहीं मैंने अभी तक देखी, और क्योंकि ये आउटडोर जो ब्यूटी फेस और एक्सप्रेशन और जो अम्मी है ना इस चीज इन चीजों में, ठीक है, वो है हमारी मुझे बताइए किसका नाम लेने वाला है? ये नाम लेने वाला है तुर्की का। यस, उसने सिर्फ इतनी सी इतने स्पेक्टल से दुनिया को हिला दिया टिकटॉक पे। ये जूती ना पड़े ना, ये कवर भी किया है इसने, नहीं तो इसको आज रात ब्लॉग पक्का था उधर से। नहीं नहीं कसम से, देखो तारीफ करनी चाहिए जो इंसान तारीफ के काबिल करना चाहिए। मैं बेसिकली कह नहीं रहा कि जो बंदा तारीफ के काबिल है, मतलब बेशक आधा ही मुंह नजर आ रहा होता है लेकिन बहुत फिट होते हैं। मतलब हम तो फजूल लोग हैं ना, पूरी पूरी बॉडी जो है वो एक्टिंग कर रही होती है, डांस पिस रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, लेकिन वो मेरी अम्मी है क्योंकि वो माशाल्लाह वो बस सामने से, मतलब क्या बात है शायद मैं छागे वाप मुश्किल काम होता है कि मोबाइल सामने रख के उसको एक्सेक्ट उसके एक्सप्रेशन या उसका मेकअप या उसका फेस जो है वो फोकस हो रहा होता है, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज से या अपने एक्सप्रेशन या लिप सिंक कहीं ना कहीं हमारे साथ नहीं है अभी, लेकिन कुल्फी के लिए अभी चुमेश्वरी ये है, कौन है? जरनाब। ओ नहीं यार, उसकी वीडियोस वाकई जो प्रिटी है, हाफ रखे क्या पे रखे वीडियो बनाती है ना वर्ता। मैं तेरी तरफ हूँ, मैं तेरी तरफ हूँ वर्ता। नहीं इतनी देर से हम कुछ उसको नहीं मालूम ना कुल्फी किसको कहते हैं। मुझे कुल्फी का नहीं था पता है किसको कहते हो, वो भी तुम्हें अच्छा था ना, बट मैं यही कहूंगा कि वो उसकी भी अच्छी वीडियोस होती है यार, मतलब अच्छी सेट जो वीडियो बनती है अच्छी लगती है। मुझे रुमैसा की वीडियोस भी अच्छी लगती है यार, मतलब मैं अगर अपने बारे में, अब तो बनाती नहीं वो, तो रुमैसा की एक्सप्रेशन बहुत, मतलब उसकी हर बंदा अपनी कैटेगरी तो एक्सप्रेशन कैटेगरी में अच्छा है। मेरे जो दो तीन फेवरेट है मैंने उनका नाम ले लिया, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। टॉपिक को कर क्लोज। ये मेरा भाई, ये मेरा भाई, ये मेरा भाई हो गया, लेकिन बंदा उसमें सबसे टॉप पे मेरी दोस्त। बेटा दोस्त नहीं, राजदार है, राजदार दोस्त नहीं, राजदार। मैं सच कह रहा हूँ, देख मैं दुनिया के सामने सबको बता दूंगा कि तुम मेरी 5000 बेइज्जती कर रही हो, तो चुपचाप बैठ जाओ इधर। सही है ना, अब बोली ना, डबल डबल कमाऊंगी तेरे से, डबल बेटा। तो अपनी सबके सामने बोल रही हूँ कि मैं इसको से बहुत पैसे कमाने वाली हूँ बॉस, मैं खुल्ला खुल्ला बोल रही हूँ। अगर तुमने ज्यादा पैसा दिलाया तो मैं बता देना कि वो 5000 तीन को कैसे दे दूंगी मैं। मेरे कुत्ते के ऐसे ऐसे रात है ना मेरे पास, पांच कर दूंगी मैं। कितने पैसे हैं, कितने पैसे हैं? 5300 मेरे कर्जदार है, ये मेरे पैसों की 5300 पूरे, और वो बताऊं अभी आवाम को कि मैं कैसे लेने मेरे। मैं बताऊं क्या बिस्ती कराई है ना तेरी जात, आज बंदा आज इधर वे बिस्ती कराती तू मेरी बिस्ती कराई है। लेकिन ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और ये मेरा दोस्त बिल्कुल नहीं है,
ये मेरा दोस्त है, मर्दा इसकी वजह से ना कोई बच्चा होता है, इसकी वजह से ना कोई मेरी मर्दा मर्दा बड़े बंदे के सामने बिस्ती होगी 5,300 रुपया छोड़ा मैं तो 5,300 तो यड़े आ रहा है 5,300 याद रखना, अगर ज्यादा शोर किया तो ये भी दुनिया को बता दूंगा कि वो कैसे देने तूने मेरे कर्जदार कैसे हुई तो मेरे को नहीं फर्क पड़ता शोर शोर कर बता तो शोर मैं क्या बता करती हूं पता कोई नहीं है बताने दे डरते नहीं है बता भाई तू वही डरने आ दस डरने आ सी दसो हैं हां मैं बताता हूं अभी दसो हुआ कुछ यूं तू बताओ खुदा की कसम देख मैं यहां पे क्या बताती हूं तू बता नहीं वरदा तू डरती है तू है मेरे लोग तो सही मैं कुत्तों के मुंह नहीं लगता मैं कुत्तों के मुंह नहीं लगता मैं क्यों भाई नबी भाई ऐसा होता है कि एक जंगल से अगर हाथी गुजर रहा हो तो 10,000 रुपए होंगे तो हाथी कभी अपने अच्छे बेस्ट बडीज हैं बिल्कुल की पोंग रहे वरदा वरदा दोस्ती बदल ला यार तो मुंह से मारेंगे 5,300 तू काट के ले लो बाकी 5,300 वरदा वरदा मैं तेरे लिए तेरा कर्ज मैं तेरे लिए तेरा कर्ज जा ऊपर वाले 300 रुपए मैं दूंगा बस ठीक ऊपर वाले 300 वाह 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 ठीक 5,000 है भाई ठीक है वो भले कब जब मर्जी देते रहना पहले 300 तो मेनू इजी पैसा कर यार मैं तू मेरे अलग बता लो है तू मेरे अलग बर्दा मैं तेरे अल ही टेंशन ना ले अच्छा जी आपको पता चल गया है ना हम भी एक नॉर्मल दोस्तों की तरह है मतलब कोई मौका नहीं छोड़ते एक दूसरे को तंग करने का हम लोगों की आप लोगों ने अलग ही दुनिया बनाई हुई है हम लोगों के एटीट्यूड को लेकर और हम लोगों की आदतों को लेकर हम भी बिल्कुल आप जैसे ही है उतने ही My two favorite people here. कौन से two favorite people here? इतनी English बोलने की ज़रूरत नहीं पंजाबी में बात करो भाई। तू बगैरता आज दसिया ना सारे अनु 5,300 वाला तू बेहतर ना मैं उनका नहीं करूँगा। अब से तो वीडियो में भी तुम्हें कैसा करेंगे बेटा कि शादी के 5,000 तो वापस करो। मुझे बताना वो वाली बात। मैं बताऊँगा कुछ उसके बाद वरदा मलिक को ना बड़े बड़े ताने मारेगा देखना तू 5,300 कार्ड के बाकी पैसे वापस कर तू पहले साफ क्लियर कर ले साफ पे चल बंदा इतने पैसे कमाती है कहाँ लेके वो कह रहे झूठ बोल रहा है एक बस गलती हो गई थी छोटी सी उसको आज तक जलील करता है ये मुझे हाँ बस सही है मेरे जितने भी फैंस देख रहे हैं मैं मेरी उन सबसे गुजारिश है कि ये मेरे 5,300 की जो है ना वो कर्जदार है जो कि अभी तक मुझे किसी तो बराए मेहरबानी वरदा कोई भी पिक्चर कोई भी वीडियो अपलोड करे सारे उसमें कमेंट करें कि शहजराज के 5,300 वापस किए जाए वरना हम लोग धरना सुनो मुझे एक कैंपेन की वीडियो बनानी है जिसकी वजह से लाली और दानियाल और नबील मेरा वेट कर रहे हैं तो आप लोग अभी कंटिन्यू रखो अगर आप लोग रहे तो मैं आपके पास 15 मिनट बाद आता हूँ और ये देखो कौन आया हाय लाली बल्लू आया सलाम वालेकुम कोकर साहब कैसे हैं आप वालेकुम सलाम अल्लाह का शुक्र आप सुनाए सर कैसे हैं ऐसी अजीब से भाई हम तो बस ऐसे ही होते हैं लाली हां बेटा सॉरी सॉरी सॉरी
आप लोग सूजी को इग्नोर कर रहे हो, सुजैन इस वक्त हमारे साथ कमेंट बॉक्स में है। हेलो सुजैन, इसने मेरे बारे में तारीफ की थी, यू आर वेरी गुड एंजल, मैनकाइंड एंजल। और हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार, क्योंकि हम लोग बाय बाय द टाटा बोलने वाले हैं, तो हमारी तरफ से यहाँ पे जितने भी कमेंट में लोग हैं, जितने भी लोगों का प्यार हमें मिलता है, नबील को, अवर्ता को, लारेब को, मुझे, उन सबको थैंक यू सो मच, और इतना सारा प्यार करने का। और जो लोग फजूल बातें करते हैं, देते कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं, उनकी तरफ से मेरे उनके लिए मेरी तरफ से ना समझ जाओ। मेरी जिंदगी सुकून में आ जाएगी, बाकी अल्लाह हाफिज देख लेंगे, ठीक है। इधर 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 देखो, इधर कट गया बस सही है। अब बर्दा जहाँ मिले उस दिन यही मैं वीडियो बना दी। मैं बता तेरी तरफ हूँ, चले जाना काम करती साथ। अरे तुम्हें सुजैन का नहीं पता, सीरियसली नहीं, अपनी कंटेंट जो बनाती है यार, बाय फेस जरूर। हाँ बाय फेस, लाइफ भी नहीं आ रही। हाँ बाय फेस, नबील बहुत मजा आया था कराची में, बहुत ख्याल रखा सनी ने, शायद ने, लारेब ने, सभी दोस्तों ने, यकीन मानो मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चलता मैं यहाँ हूँ, बाकी जितनी इसने मेरी बेइज्जती करा दी है ना डांस करके, तो मैं तो मतलब मेरे दिल में आग लगा दी थी डांस करके। यार आप बिलीव करें, वो हमने 2 घंटे प्रैक्टिस की थी उस डांस की, मैंने और सनी ने, ठीक है, सिर्फ 2। बहुत अच्छी बनाई थी उसने, अली ने वो वीडियो शूट की थी और एडिट भी अली ने किया उसको, डायरेक्ट और कोरियोग्राफ जो है वो मैंने और सनी ने, हम दोनों ने एक दूसरे से किया, और डांस जिस दिखाया वो सनी ने ही सिखाया था मुझे, शैस के साथ होते हैं, शैस का बेस्ट बडी है, मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत बहुत अच्छा लड़का है। और फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों ने वीडियो शूट की, और फिर जब मैंने वो पोस्टिंग की और जो उसका रिस्पांस मिला वो तो एंड थी। अच्छा वो टिकटॉक पे नहीं ना लगाई आपने? नहीं यार, वो क्योंकि वो पूरा एक गाना शूट किया था ना मैंने, 2 मिनट कुछ सेकंड का वो गाना है, तो मैंने सोचा था कि मैं टिकटॉक पे पोस्ट करूंगी, लेकिन लगाना है, मैं लगाऊंगी, मैं जरूर लगाऊंगी, लेकिन अभी स्नैक की तरफ ज्यादा ध्यान हुआ हुआ है ना, तो उसको ऐप को रन करने के बारे में। हाँ, क्योंकि मैंने उसमें बात करी थी, कि इधर काफी लोग भी हैं, तो स्नैक पे जरूर आए, चेक करें स्नैक पे, आजकल सभी वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, सभी टिकटॉकर्स, जितने भी फेमस टिकटॉकर है वो सभी अभी स्नैक पे चले गए हैं, जो आपको टिकटॉक पे मिलना था देखने के लिए वो स्नैक पे भी। हाँ, ऐसा नहीं है कि टिकटॉक हम लोगों ने छोड़ दिया है, टिकटॉक ऐसी ऐप है जिसने हमें पहचान दी है, वो नहीं छोड़ सकते। बाकी आपको अच्छा, ये कब तक ख्याल है, कब तक ख्याल है खुलेगी यार? पता नहीं, कह रहे थे 23 मार्च के बाद, कह तो रहे थे कि ये खुल जाएगी। हाँ, मुझे भी पता चला था 26 का गया। हाँ, मुझे तो वास 26 की। हाँ, सुना तो है, किसको लेना सब? अच्छा ठीक है नबील, अभी फिर क्योंकि तुम लाइव आए हुए हो, रोज रोज तो तुम आओगे नहीं, टाइम नहीं दोगे, तो क्यों ना जो तुम्हारे फैन है उनसे बात करना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा लाइव में ले लिया जाए, व्हाट यू थिंक? या जरूर, क्यों नहीं, बिल्कुल, तुम्हारा डाई हार्ड फैन उसी को लेते हैं। बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। वर्दा कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने प्यारे भाई को लेके आई है, ये बंदा इंस्पिरेशन है कदम से। ये इंस्पिरेशन है, शहजादा है ये। ओह
यार नबील भाई फैन हूँ आपका कजन से, आपके कंटेंट का, एक्टिंग का, हर चीज का। तो ही गाय जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी पहले टाइम पे। अच्छा आप ये बात हो रही थी, वरदा बता रही थी। अरे बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच, दिल से रिस्पेक्ट आपके लिए, थैंक यू। हाँ थैंक यू थैंक यू। तो तुमने कुछ पूछना है नबील से? मैं जस्ट यही पूछूंगा कि अगर कोई हम जैसे किसी नॉर्मल पर्सन ने आपसे मिलना हो, आपके साथ सेल्फी लेनी हो, या फिर कोई एक आध वीडियो बनानी हो, तो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार पहली बात तो मैं खुद ही एक नॉर्मल बंदा हूँ, मैं खुद को ही मतलब नॉर्मल नहीं हो आप, मैं खुद एक सादा तरह बंदा हूँ, मतलब इनका कहने का मतलब है तुम मुझे डीएम करते हो अब नॉर्मल हो। नहीं देखना इनकी चीक्स भी काफी देखे देखे कह रहे नहीं, यानी कि मैं सही बोल रहा हूँ। किसकी साइड पे तुम बता, किसकी साइड पे तुम? मैं अपनी साइड पे हूँ, तुमने जो मेरे साथ आज किया है ना। जो जो नबील भाई अभी आपने किया है ना, ठीक है, ये आपकी साइड पे कभी भी नहीं आएंगे। ना 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 ना, ये मेरी दोस्त है, बड़ी पता नहीं बता बताओ कब से मैं आपको जानता हूँ। यार जिगर है हम लोग आप लोगों के साथ लाइव आने का, या आप लोगों को ये दिखाने का कि हम लोग कितने प्यार से, कितनी शरारतों के साथ, कितनी मस्तियों के साथ साथ में हैं। हमें किसी की सक्सेस से कोई जेलसी नहीं होती, हम अपने एक दूसरे को और बढ़ चढ़ कर बोलते हैं कि हम लोग साथ हैं, चलो करते हैं, ये शरारत करते हैं, वो मस्ती करते हैं। तो आने का मकसद ही ये था, क्योंकि अगर मैं शेज के साथ वीडियोज बनाती हूँ तो मेरा कपल बना दिया जाता है, मैं उमेर के साथ बनाती हूँ मेरा उमेर के साथ कपल बना दिया जाता है, मैं नबील के साथ बनाती हूँ मेरा नबील। हम लोग इतने क्लोज फ्रेंड्स हैं सबके सबके, जब हम लोग कोई भी एक्ट करते हैं ना, वो इतना नेचुरल हो जाता है, इतना दूसरे को जानकर करते हैं ना, तो वो लोगों को लगता है कि वी हैव समथिंग। तो ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल, मैं तो यही मैं अपने तौर से भी यही कहना चाहता हूँ कि मैं पता वो एक आजकल लड़की के साथ वीडियो बनाता था, तो मैं ना बनाता था उसके साथ, तो वीडियो लोग समझते थे यार पता नहीं मेरी शादी हो गई, लोग भी वो सारे ये समझ रहे थे कि ये ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं सिंगल बंदा हूँ यार, कल्ले आ रहा है। और वो मतलब आपने वो इनकी वीडियो देखी होंगी, वो जिस तरह ये शूट कर रहे थे, वो जितनी प्यारी शूट हो रही थी, तो कोई भी बंदा यही समझेगा कि शायद ये ना हम जो नॉर्मल पर्सन होते हैं वो ये समझ रहे जैसे हम लोग बचपन से भाइयों का होता है या बचपन से बहनों का होता है रिश्ता, या चड्डी फ्रेंड्स का जो होता है, मेरा और शेस का इस हद तक लेवल है, ठीक है, मतलब हम लोग एक दूसरे को इंटरनेट स्लो, आई गेस इनका इंटरनेट स्लो हो गया है, टाइम नहीं है हमारे पास, सॉरी ब्रदर, हम किसी और। बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है, ये तीन दिन से लाइफ पे आ रहा है, तो अभी देखते हैं कोई और है। तो एक लड़की है तारा, आई गेस जारा, लड़की अल्लाह बस कर दे भाई, बस कर दे। बेचारी परेशान हो गई, आपने बहुत बड़ी फैन हूँ वरदा मलिक। ठीक हूँ मैं, अरे टिकटॉकर ताकि, हेलो मैं जारा की कजन बात कर रही हूँ, शेयर बाइक बहुत बड़ी फैन हूँ। ये आप लाइव सेव करेंगे ना? हाँ, मैं करूंगी ये लाइव से।
Thank you so much for joining me. Most welcome here. Chalo, first question.